टीवी एक्ट्रेस वैशाली की मौत की खबर से हर कोई शॉक्ड है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपने इंदौर वाले घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की। उनके पास से सुसाइड नोट मिलने की भी बात कही जा रही है, और वही सुसाइड नोट है जो लगातार सनसनीखेज खुलासे कर रहा है और मामले में आरोपियों के सामने आने की बात हो रही है। वैशाली के साथ काम करने वाले लोग सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, दुख जता रहे हैं। एक्टर विकास सेठी और उनकी पत्नी जानवी राणा ने उनके निधन से एक दिन पहले ही बात की थी। उन्होंने बताया कि वैशाली से एक दिन पहले ही बात हुई थी और वैशाली ने मुंबई आने की बात कही थी। ये सुनकर, उनके निधन की खबर सुनकर दोनों सदमे में हैं। वैशाली अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हें जानने वाले इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे। उनकी करीबी जानवी ने सोशल मीडिया पर वैशाली के लिए पोस्ट शेयर किया। इसमें लिखा, शब्द नहीं है, कल बात हुई थी वैशाली, तुमने कहा मैं मिलती हूँ, अच्छा नहीं किया, वापस आओ। वैशाली से उन्होंने जिस तरह से बातचीत की उसका उन्होंने पूरा खुलासा एक इंटरव्यू के दौरान कहा, और उन्होंने बताया कि मैंने फाइनेंशियल हेल्प के लिए एक दिन पहले वैशाली को कॉल किया था। उसने बताया कि वह दिवाली के बाद शादी की शॉपिंग के लिए मुंबई आने वाली है। उसने हमारे साथ रुकने का प्लान बनाया। उसने कहा था हम घूमेंगे और बच्चों को लेकर भी साथ चलेंगे। उसने करीब 5 महीने पहले मुझे मितेश के बारे में बताया। इसके बाद मैंने भी उसे चैट और वीडियो कॉल पर बात की थी। वह काफ़ी सुलझा हुआ और स्वीट है। जानवी के पति विकास ने बताया कि दिसंबर में उसकी शादी थी, दोनों परिवार डेट तय करने वाले थे, शुक्रवार को बात हुई थी, बोली थी कि सब मस्त चल रहा है। शादी के पहले उसका मुंबई आने वाला प्लान था। उसकी मौत की खबर पहले तो हमें झूठ लगी। मैंने जानवी को कहा कि उसे फ़ोन करे, जब उसका फ़ोन नहीं लगा तो उसके पिता ने फ़ोन कॉल किया और उन्होंने बताया कि अंतिम संस्कार कर रहे हैं। तो हम लोग सदमे में थे, हम लोग वहीं जम गए। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।